2022 में बायजूस की वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर्स की थी और सिर्फ एक साल में 3 बिलियन डॉलर्स की हो गई। बायजूस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड यूनिकॉर्न इन इंडियन स्टार्टअप इंडस्ट्री, बट इन रीसेंट ईयर्स इट पोस्टेड लॉस ऑफ 4,559 करोड़। ऐसा क्यों हुआ कि बायजूस बर्बाद होने लगा? एक्चुअली बायजूस ने ऐसे कुछ स्टेप्स लिए जो लॉन्ग टर्म में वर्दी नहीं थे, और उससे भी इम्पोर्टेंट, स्टूडेंट्स का और उनकी फैमिली का इससे बहुत नुकसान हुआ। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बायजूस ने क्या गलतियाँ की जिससे उनके जेन्युइन बिजनेस को अब लोग स्कैम कहने लगे। हियर्स हाउ बायजूस फक्ड इटसेल्फ एंड ऑल्सो इंडियन स्टूडेंट्स। बायजू रविंद्रन वॉज 23 ईयर्स ओल्ड और वो काम कर रहे थे इंजीनियर के तौर पे एक शिपिंग फर्म में, जब वो अपने दोस्तों के साथ कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद रिजल्ट आया एंड ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल। उसके बाद उन्होंने अपनी दोस्तों की मदद की एंड अगेन गेव द एग्जाम, अगेन ही स्कोर्ड 100 परसेंटाइल। इन दिस टाइम ही गॉट टू नो कि उन्हें पढ़ाना बहुत पसंद है, एंड जस्ट बिकॉज उनके कोर कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे थे इसलिए ही वॉज एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम्स। ही नेवर जॉइंड एन IIM एंड स्टार्टेड टीचिंग। उन्होंने स्टूडेंट्स की मदद करना शुरू कर दी, वो वर्कशॉप्स कंडक्ट कराते थे और उन वर्कशॉप्स में कुछ घंटे वो बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। धीरे धीरे करके उनकी क्लासेस 2006 में बहुत अच्छे से चलने लगी। मोर देन 1200 स्टूडेंट्स वर अटेंडिंग हिज क्लासेस और 750 रुपए हर एक सेशन का लोग दे रहे थे। इन नो टाइम दिस जीनियस मैन वॉज अ हिट। 2007 से 2009 के बीच में बायजू ने बहुत मेहनत की और अलग अलग 9 शहरों में अपनी क्लासेस एस्टेब्लिश किए। लोग उन पे बहुत ट्रस्ट करते थे। 2009 के बाद उन्होंने वीडियो लेक्चर्स भी इंट्रोड्यूस किए और 2011 आते आते एक कंपनी बन गई। इन्हीं सब चीज़ों के बाद बायजू विथ हिज वाइफ एंड सम स्टूडेंट्स स्टार्टेड अ कंपनी जिसका नाम था थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। बायजू इसके बाद अपनी टीम की मदद से स्कूल एजुकेशन में भी आ जाते हैं। उस समय बायजू के न्यू लर्निंग मेथड्स बहुत फेमस हुए थे, जहाँ वो वीडियो एनिमेशन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे थे, टेक्स्ट बुक कोर्सेज को इंटरेस्टिंग बना रहे थे। उस समय ये बहुत नया था, इट वॉज अ गुड इनोवेशन। जल्दी उनकी बैच साइजेस बहुत बढ़ने लगी। एक एक बैच में 25,000 स्टूडेंट्स थे। एक इन्वेस्टर रंजन पाई इस पूरे मॉडल को देख के बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और बायजू को बोला कि मैं बायजूज में 50 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करूंगा, पर एक ही शर्त है कि इसे डिजिटल जाना होगा। 3 साल बाद 2015 में बायजूज लर्निंग ऐप लॉन्च हुआ। फेमस बायजूज लर्निंग ऐप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन से लेके किंडरगार्टन तक बच्चों को सब पढ़ाता था। सारे के सारे स्कूल एजुकेशन में बायजूस घुस चुका था। सिकोया ने 25 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए और अगले ही साल चैन एंड जुकरबर्ग फाउंडेशन, जो मार्क जुकरबर्ग की कंपनी है, उसने 50 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए। अब बायजूस की नजरें आसमान में थी, कंपनी बहुत बड़ी हो गई थी। 2018 के अंत में बायजूस फर्स्ट एडटेक यूनिकॉर्न बन गई, मतलब पहली ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा थी। इस समय के बाद बायजूस ने शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, फिर इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, इवन फीफा वर्ल्ड कप भी स्पॉन्सर किया। ये एक बहुत बड़ी कंपनी थी। और फिर आता है कोरोना वायरस, स्कूल्स बंद हो गए थे और ऑनलाइन एजुकेशन वॉज एट पीक। गवर्नमेंट भी ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रही थी, पूरा मार्केट ऊपर जा रहा था। सारी एडटेक कंपनीज के फ्री पेजेस के व्यूअरशिप में 150% की ग्रोथ देखने मिली और पूरे इन्वेस्टर्स एडटेक कंपनीज में पैसे डालने को तैयार थे। एडटेक मार्केट को 2020 से 2022 के बीच में 6.65 बिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली, जिसमें से 3.3 बिलियन डॉलर्स सिर्फ बायजूस को मिले। मतलब कंपटीशन आसपास था भी नहीं, पूरी इंडस्ट्री में जितना पैसा बटा आधा तो पूरा बायजूस के पास ही आया था। इस समय कंपनी की वैल्यूएशन 22 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाती है और बायजूस वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज में आ जाता है। और इसी ग्रोथ के साथ बायजूस ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जिससे वो लॉस में आ गया, और वो लॉस छोटा मोटा नहीं था। इस पे नजर डालिए, 2018 में बायजूस का प्रॉफिट 500 करोड़ पर था, पर 2021 में उसका प्रॉफिट 2,428 करोड़ पहुंच गया, मतलब बहुत बढ़ गया। पर कंपनी के लॉस पे नजर डालें तो 2018 में 37 करोड़ का लॉस था और 2021 में 4,500 करोड़ से ज्यादा का लॉस हो गया। कंपनी लॉस में थी, अब वो सरवाइव नहीं कर पा रही थी। 22 बिलियन से वैल्यूएशन 3 बिलियन हो जाती है, IPO लॉन्च कैंसिल हो जाता है और मार्केट में नेगेटिव इमेज सामने आने लगती है।
ऐसे कि ये कंपनी मैनिपुलेटिंग कंपनी है, ये लोगों को मैनिपुलेट करके अपने कोर्सेज बेचती है, ये एक जेन्युइन कंपनी नहीं है। पर ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब बायजूस ग्रो कर रहा था तब वो कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है, जैसे कंपनीज को खरीदना जो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं बनी, ऐसी मार्केटिंग में स्पेंड करना जो ज्यादा सेंस नहीं बनाती, लोन्स लेना जो हाईली रिस्की है, और अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स होना। इन सब की वजह से कस्टमर्स पे बुरा असर पड़ता है और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कंपनी के इंटरनल मैटर्स का सर्विस और कस्टमर्स पे कैसे इम्पैक्ट आता है, बायजूस इसका टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा जिस चीज पे बायजूस ने खर्च किया था और वो उसके लॉस का भी कारण बना, दैट वॉज मार्केटिंग एंड प्रमोशन। 32% ऑफ द एक्सपेंसेस वॉज ऑन दिस। उन्होंने IPL को स्पॉन्सर किया, फीफा को स्पॉन्सर किया, इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, शाहरुख खान को लेके आए, मेसी को लेके आए। 2250 करोड़ के पास उनका मार्केटिंग एक्सपेंस था और 2428 करोड़ के पास उनका रेवेन्यू था। बायजूस ने बाहर तो बहुत स्पेंड किया कि कंपनी की ब्रांडिंग हो, पर कंपनी के कल्चर पे कोई स्पेंड नहीं किया, कंपनी एम्प्लॉइज पे ध्यान नहीं दिया। बिकॉज लॉसेस ऐसे बढ़ते जा रहे थे, इसलिए कंपनीज के एम्प्लॉय पे प्रेशर आता जा रहा था टू सेल मोर कोर्सेज। और इसी की वजह से मैनेजर्स और उनके अंडर काम कर रहे लोगों के बीच में टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैनेजर्स को टारगेट मिल रहा था जो उनको कंप्लीट करना था, और मैनेजर्स अपने एम्प्लॉयज को टारगेट दे रहे थे जो इम्पॉसिबल थे। इट वॉज ऑल अ मैस। सेल्समैन जो कोर्सेज बेच रहे थे उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये है वो वायरल कॉल ऑडियो जो बायजूस के टॉक्सिक वर्क कल्चर को दिखाती है। रिजाइन कहाँ से आ जाता है सर? बात यही से आ जाता है, नहीं हो रहा तो मत करो काम, 2 हफ्ते से जीरो में बैठे हुए हो यार। सर तो उस बात पे रिजाइन थोड़ी कर देंगे। हाँ तो फिर क्यों करूँ यार? अपनी तरफ से तो सर पूरे तुम सर तो अपनी तरफ से पूरे ये गाली नहीं सुनता रहूंगा सर। 1-2 हफ्ते अगर मैं जीरो पे रह गया तो खाली नहीं सुनूंगा यार। जब लोअर लेवल के एम्प्लॉयज पे जो डायरेक्ट कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं उन पे बहुत प्रेशर आया, तो उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा और वो आ गए कुछ भी करके बेचना है वाली स्पिरिट में। फिर वो कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने लगे जो सही नहीं थी, जैसे माँ बाप को सेंस ऑफ फियर देना कि अगर आपने ये नहीं खरीदा तो आपका बच्चा फेल हो जाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, वगैरह वगैरह। बायजूस के सेल्समैन इतने ज्यादा कॉल्स करने लगे, इतने ज्यादा लोगों के पास बार बार जाने लगे कि ये सब सबके लिए बहुत ऑब्वियस हो गया। पर देखा जाए तो ये प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती हैं। प्रॉब्लम तब आई जब 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज खरीदने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो बायजूस के एम्प्लॉयज ने उनको लोन दिलवाया, और जिसने लोन लिया माँ बाप ने, उन्हें पता ही नहीं था कि हमने लोन लिया है, बस उन्होंने पेपर्स पे साइन कर दिया। ऐसे केसेस में बायजूस के एम्प्लॉयज बायजूस कंपनी को गारंटर बता देते थे और बैंक वाले इसलिए आराम से लोन दे देते थे। लगभग आधे माँ बाप को पता ही नहीं था कि उन्होंने लोन लिया है। बायजूस के सेल्समैन हर जगह जाके मॉल्स, स्कूल्स, होम, बस लोगों को परसुएट करते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे कोर्स खरीदने के लिए। हर एक बड़ी कंपनी, चाहे वो गूगल हो या एप्पल, अच्छे प्रोडक्ट के साथ वर्क कल्चर भी देती है और अच्छी मार्केट इमेज ऐसे ही तैयार होती है। पर दिस वॉज नॉट द केस इन बायजूस। इन्हीं सब शेडी और निगेटिव मार्केटिंग के चलते बायजूस की इमेज खराब होती रही। एक और बड़ी चीज थी जिससे बायजूस को नुकसान हुआ, और वो था टू बिग टू सून। जैसे ही बायजूस के वॉलेट में पैसे आने शुरू हुए और बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए, बायजूस ने कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। उन्होंने खरीदा व्हाइट हेड जूनियर, आकाश एजुकेशनल सर्विसेज और 17 अदर कंपनीज इंक्लूडिंग टॉपर। व्हाइट हेड जूनियर को $300 मिलियन में, एपिक को $500 मिलियन में और आकाश को $950 मिलियन में। इन सब कंपनीज को खरीदने में एक्सपेंस हुआ वो तो ठीक है, पर ये सारी कंपनीज में से ज्यादातर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनी ही नहीं। जैसे व्हाइट हेड जूनियर, उसकी तो बहुत नेगेटिव मार्केटिंग हुई फॉर सेम रीजंस। बहुत महंगे कोर्सेज थे पर रिजल्ट ऐसा कुछ दिखा ही नहीं कि लोग उसे पब्लिकली पॉजिटिव बोले, बस मार्केट में हल्ला हुआ और कुछ नहीं। इन्हीं सब के बीच में जब USA ने $3 trillion छापे, आपको याद होगा कोरोना के समय में, तब इंटरेस्ट रेट बहुत नीचे चले गए, एक्चुअली जीरो ही हो गए, और इसलिए सबने बहुत सारे लोन लिए USA से। बायजूस ने भी टर्म लोन बी लिया। सरल शब्दों में इसका मतलब होता है कि शुरुआती सालों में आपको कम पैसे देने होते विथ इंटरेस्ट रेट, और आखिरी सालों में, अंतिम सालों में आप बहुत बड़ा पेमेंट करते हो जिससे आपने लोन लिया उसको। तो जैसे ही कुछ समय बाद लॉकडाउन हटा और रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, तो इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ गए। लोन लेने के ही टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि बायजूस को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करनी होगी, वो बहुत डिले हुई, और जब रिपोर्ट्स पब्लिश हुई तब पता लगा कि बायजूस बहुत बड़े लॉस में।
पर बायजूस का कहना है कि इस साल के मार्च तक पूरे का पूरा पेमेंट हो जाएगा। लेट्स सी हो पाता है या नहीं। पर इन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब हुई जब बायजूस की अकाउंटिंग में प्रॉब्लम्स दिखी। मनी कंट्रोल के हिसाब से बायजूस की प्रॉब्लम है कि वो बिजनेस के फंडामेंटल्स को यूज नहीं कर रहे अपनी ग्रोथ में। लाइक अगर कोई 2 या 3 साल का कोर्स लेता है और पेमेंट एक बार में ही करता है तो बुक्स में वो उस पेमेंट को उसी ईयर का कंसीडर कर लेते हैं, उसे 2 या 3 साल में स्प्लिट नहीं करते। जैसे अगर आपने 60,000 का पेमेंट किया 2 साल का कोर्स लेने के लिए तो आपके पेमेंट को बायजूस अकाउंटिंग इस साल का ही मान लेगी, उसे 2 साल में स्प्लिट नहीं करेगी 30,000-30,000 रुपए में। इसलिए एक साल में कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है और दूसरे ही साल बहुत सारा लॉस। इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट देख के प्रॉफिट देख के बहुत सारा पैसा रेज कर देते हैं और बाद में उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता और इससे कंपनी को भी लॉस होता है। इन सब चीज़ों के बाद स्कूल्स भी खुलने लगे, वापस बच्चे स्कूल्स जाने लगे, जो सडन ग्रोथ मार्केट में हुई थी वो कम हो गई। इन सब रीजंस की वजह से बायजूस ने सफर किया। सिर्फ इतना ही नहीं, डेलॉयट जो एक ऑडिटर का नाम है वो और बाकी 3 बोर्ड मेंबर्स ने बायजूस से रिजाइन कर दिया है। BCCI क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बायजूस का केस ऑनगोइंग है स्पॉन्सरशिप इश्यूज के कारण। ED मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 9,000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन का एक चार्ज लगाया है बायजूस के ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट, उनके एम्प्लॉयज की सैलरी देने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज को फायर भी किया। बेसिकली ओवर मार्केटिंग, शेडी सेल्स प्रैक्टिसेस, फॉल्टी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अनइम्पॉर्टेंट एक्विजिशंस के कारण कंपनी खतरे में है। काश ये कंपनी फिर से पहले जैसी ठीक हो जाए, दुरुस्त हो जाए और लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो और लोग अब सीख जाए और ऐसे नुकसान ना होने पाए। दर्शन प्रोडक्शन होप्स कि सब ठीक हो जाए। दर्शन प्रोडक्शन इसी तरीके से आपके सामने कमाल की डॉक्यूमेंट्रीज लाता रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, सब्सक्राइब करें। आप बने रहिए हमारे साथ, हम भी बने हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।